हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो उन लोगों के लिए जिनकी बाइक का पेंट ख़राब है या जो अपनी बाइक का कलर चेंज करना चाहते हैं, तो वीडियो को बिना स्किप करें लास्ट तक देखिएगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मिलने वाली है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी बाइक पर ग्रीन कलर है अभी, तो हम इसको चेंज करेंगे फ्रंट मडगार्ड पे, मास्क पे, टैंक पे और रियर पैनल पे। इन पर हम कर देंगे ग्लॉसी ब्लैक कलर। और ये क्रैश गार्ड जो हमने अभी बनाया था कुछ दिन पहले, इस पर और फ्रंट व्हील पर हम कलर करेंगे ये वाला जो कि टैंक पर है। इस ग्रीन कलर से हम ये दोनों पार्ट को कलर कर देंगे और रियर व्हील पे हम करेंगे ग्लॉसी ब्लैक कलर। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए काम करते हैं, फटाफट बाइक के पार्ट्स खोल लेते हैं, उसके बाद मैं दिखाता हूँ क्या करना है। तो फिलहाल बाइक के हमने सारे बॉडी पार्ट्स खोल लिए हैं और क्रैश गार्ड और व्हील इसको हम बाद में खोलेंगे। तो चलिए ये पार्ट्स हमने खोले, इन पर काम शुरू करते हैं। तो ये एलॉय व्हील भी हमने खोल लिया है और इसको अच्छे से सैंडिंग कर लिया 1000 ग्रिट के पेपर से, और सारे बॉडी पार्ट्स को भी हमने अच्छे से सैंडिंग कर लिया। अब ये कलर के लिए रेडी है, बस इस पर टेपिंग वगैरह करना है, जो जो पार्ट्स हमें कलर नहीं करना। और कलर्स के बारे में आपको बता देता हूँ, ये हमने लिया है 250 ml ग्रीन कलर, और उसके लिए ब्लैक कलर का बेस कोट लिया है 200 ml। और ये ग्रीन कलर के पर्ल हैं जो हम ब्लैक कलर में मिक्स करेंगे। यह है ब्लैक कलर और यह है क्लियर, 500 ml हमने क्लियर हार्डनर लिया है। और ये हमारा ब्लैक कलर है 400 ml। 1 लीटर हमने लिया है 2K थिनर और 1 लीटर हमने लिया है लूज़ थिनर। कुछ सैंड पेपर लिए हैं, तो कुछ इतना बिल बना है हमारा इन सब सामान का। देखेंगे अगर कुछ कम पड़ेगा तो और बाद में ले लेंगे। तो चलिए अब व्हील पर कलर करना स्टार्ट करते हैं। एलॉय व्हील पे कलर तो हो चुका है, अब बारी है बॉडी किट पे कलर करने की। तो बस ये सब रेडी है, इस पर हम करेंगे ब्लैक कलर, उसके साथ मैंने इसमें ग्रीन कलर के पर्ल इसमें मिक्स कर दिए। तो चलिए बॉडी किट का कलर भी मैंने तैयार कर लिया है। इसको 2K थिनर हमने मिलाया है इसमें और थोड़ा पतला कर लिया है इसको, ज़्यादा पतला भी नहीं करना और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना, नॉर्मली रखना है। और इसमें आप देख सकते हैं ग्रीन कलर के मैंने पर्ल यूज़ किए हैं जो कि धूप में रिफ्लेक्ट करेंगे। तो चलिए इसको भी बॉडी किट पर अप्लाई करते हैं। तो सारे पार्ट्स के ऊपर हमने ब्लैक कलर उड़ा दिया है, अब बारी है इनके ऊपर क्लियर उड़ाने की। और ब्लैक कलर करने के बाद हमने इसके ऊपर सैंडिंग की है 2000 के पेपर से, ताकि ये स्मूथ हो जाए डस्ट वगैरह जो भी आती है। अब सब कुछ कंप्लीट करके रेडी है, अब बारी है इन पे क्लियर उड़ाने की, तब इस पर फाइनल रिजल्ट नज़र आएगा। अभी थोड़े फीके फीके लग रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर होने के बाद बढ़िया हो जाएंगे। चलिए इस पर क्लियर और अप्लाई कर देते हैं। तो कल काम करते करते कंप्रेसर मशीन ख़राब हो चुकी है, शायद जल गई यहाँ से, जबकि 2 हफ्ते पहले ही हमने इसको रिपेयर कराया था, बट इस चक्कर में सारा काम रुक गया। अब एक काम करते हैं, इसकी मशीन खोल के ले जाते हैं, रिपेयरिंग करवाते हैं, उसके बाद फिर काम स्टार्ट करेंगे। चलिए इसको खोल लेता हूँ। तो ये निकाल ली मोटर हमने खोल के, देख सकते हैं ब्लैक पड़ गई, पूरी जल गई है वाली।
चलिए इसको रिपेयर के देखते हैं, अगर जल्दी हो जाए तो अच्छी बात है, हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको लेके चलते हैं और रिपेयर करा के लाते हैं फटाफट। बाइक की कंडीशन फ़िलहाल कुछ ऐसी है, आगे एक अलॉय व्हील पड़ा था मेरे पास, वो मैंने लगा दिया, हैंडल वेंडल सब कुछ खुला हुआ है इसका। तो मोटर हमारी रिपेयर होके आ चुकी है, अब बस फटाफट इसको फिट कर देते फिर अपना काम स्टार्ट करते। काम थोड़ा ही हो पाया था और मशीन ख़राब हो गई थी जिससे काम रुक गया था। तो चलिए इसको फिट कर लेते हैं, बाकी आगे काम करते हैं। क्लियर कोट हमें उड़ाना था, वो काम रुक गया था, तो उसको कंप्लीट करके फिर दिखाता हूँ आपको। तो ये बाइक के सारे पार्ट्स कलर होके रेडी हैं, अब इन पर पॉलिश होना बाकी है। देख सकते हैं कुछ इस तरीके का कलर है, लेकिन अभी फाइनल नहीं है। सबसे पहले हम करेंगे इनकी सैंडिंग, 2000 ग्रिट के सैंड पेपर से इसको सैंडिंग करेंगे अच्छे से, ताकि इसके ऊपर छोटे छोटे बबल वगैरह हैं, डस्ट पार्टिकल हैं, ये सब रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद हम करेंगे इन पर रबिंग पॉलिश। तो आपको बताता हूँ कैसे करना है। पानी में सैंड पेपर भिगा के उसके ऊपर आराम आराम से धीरे धीरे इसे पॉलिश करना है हमें इस पर, ताकि इसकी जितने भी पार्टिकल लगे हैं ऊपर से सब निकल जाएंगे और ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। रियर अलॉय व्हील भी हमारा कंप्लीट है बाकी सारे पार्ट्स की तरह, अब बस हमें क्रैश गार्ड को और फ्रंट व्हील को फाइनल करना है। तो उसके लिए मैंने ब्लैक बेस कोट कर दिया इस पर भी, और ये फ्रंट अलॉय पे भी हमने ब्लैक कोट कर दिया। अब इस पर मेन कलर हम ग्रीन कलर करने वाले हैं, तो मैं आपको कलर दिखाता हूँ। ये है वो कलर, ये हम क्रैश गार्ड पे और फ्रंट व्हील पे करने वाले हैं। तो ये कलर हमको बनाना है अपने हिसाब से, ये अंदाजे से मैंने बनाया है, इसमें कोई नाप तोल की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत 19-20 भी चल जाता है, बट हमें ज़्यादा पतला नहीं बनाना। चलिए इसको मशीन में भर के अब अप्लाई करते हैं, सबसे पहले व्हील पे। तो ये देख सकते हैं ग्रीन कलर हो चुका है कंप्लीट, अलॉय व्हील पे भी हो गया और क्रैश गार्ड पे भी हो गया। अब बस इन पे हम क्लियर अप्लाई कर देते हैं फाइनल, उसके बाद रेडी हो जाएगा ये। बस ये आखिरी काम है, इस पे क्लियर उड़ा देते हैं, उसके बाद करते हैं इसको फिट। तो चलिए मैं क्लियर और अप्लाई करके फिर आपको दिखाता हूँ। तो हमने कर दिया इस पर क्लियर भी अप्लाई, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कलर आया है इस पर। चलिए इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं, जब तक हमें काम करते हैं बाकी पार्ट्स जो हमारे ड्राई हो चुके हैं उनको बाइक में फिट कर लेते हैं। तो रियर व्हील कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए अब इसको भी हम फिट कर देते हैं। इसको हमने ग्लॉसी ब्लैक कलर किया है और फ्रंट वाले को हमने ग्रीन कलर किया है, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा फ्रंट व्हील भी बिल्कुल रेडी है, इसकी पॉलिश करके इसको भी हम फिट कर लेते हैं। चलिए इसको उठा लेते हैं और इसको भी फिट करके फिर दिखाते हैं कंप्लीट बाइक। ये है वो पेपर, सैंड पेपर 2000 ग्रिट का, इससे करेंगे हम पॉलिश। तो इसका एक छोटा पीस पहले मैं कट कर लेता हूँ, बस इतने छोटे पीस की ज़रूरत है हमें। तो इसको पानी में डिप करके हल्के हाथ से इस पर ऐसे ऐसे रब करना है। तो चलिए फटाफट मैं इसको कर लेता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। ये देखो सैंडिंग के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है ये, बट इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, जब हम इस पर रबिंग पॉलिश करेंगे तो ये पहले से भी बेटर हो जाएगा। सैंडिंग करने से ये स्मूथ हो जाता है और इसके अंदर ये देख सकते हैं आप, ये जो स्पॉट दिख रहा है, अब इसको हम एक हाथ और मारेंगे तो ये क्लीन हो जाएगा बिल्कुल। तो चलिए इसको और क्लीन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमने सारे स्पॉट जो है क्लीन कर लिए, अब ये पॉलिश के लिए रेडी है। तो बस इस पर रबिंग पॉलिश करना है और इसकी शाइन जो कभी गायब हो गई है वो पहले से भी और अच्छी निकल कर आएगी। अब तो चलिए फटाफट पहले सारे पार्ट्स को सैंडिंग कर लेते हैं, उसके बाद एक साथ सब में रबिंग पॉलिश कर लेंगे। तो हमने सबकी सैंडिंग कर दी है, सारे पीस जो है सैंडिंग होकर रेडी हो चुके हैं, अब इस पर पॉलिश बाकी है। तो पॉलिश करने से पहले हम इसको फिट कर देंगे बाइक में, ताकि पॉलिश करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो देख सकते हैं फिलहाल कुछ इस तरह कंडीशन है बाइक की, बिल्कुल कवाड़ा नज़र आ रही है फिलहाल, बट कोई दिक्कत नहीं है, अभी इसके बॉडी पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे कलर के, उसको फिट कर देंगे तो वापस नई जैसी हो जाएगी ये। तो अब जैसे ये देख सकते हैं मड गार्ड पर हमने सैंडिंग करी है, कितना रूखा रूखा हो गया ये। तो इसको फाइनल के लिए हम ये वाली रबिंग पॉलिश है 1 स्टेप 3M की, तो ये पॉलिश इस पर अप्लाई करेंगे, कैसे मैं आपको बताता हूँ। थोड़ी सी हमको इसको क्रीम को यहाँ लगाना है, तो
और एक कपड़ा लेना है माइक्रोफाइबर, और इसको इस तरीके से स्क्रब की तरह इसको लगाना है। और इसको ऐसे कंटिन्यू थोड़ा सा हाथ चलाते रहेंगे हम, इस पर घिसते रहेंगे तो ये शाइनी होता जाएगा। ये अब आप देख सकते हैं इसकी शाइन काफ़ी बढ़िया हुई है। तो चलिए मैं पूरी कंप्लीट कर लेता हूँ फिर दिखाता हूँ। तो सारे कलर वाले पार्ट और अलॉय व्हील हमने बाइक में फिट कर दिए हैं, बाइक बिल्कुल रेडी है। बस इसमें अब ज़रूरत है इसकी अच्छी सी एक वॉशिंग कर दी जाए और उसके बाद एक पॉलिश कर दी जाए इसकी। तो चलिए मैं इसका क्रैश गार्ड और फिट कर लेता हूँ इसमें अच्छे से इसकी वॉशिंग करके, फिर इसको हम ले चलते हैं बाहर, बाकी का शूट करते हैं हम बाहर, वहाँ दिखाता हूँ मैं आपको फाइनल लुक। तो चलिए आपको दिखाता हूँ फाइनल कंप्लीट होने के बाद किस तरीके से निकल कर आई है हमारी बाइक। तो ये देख सकते हैं कितनी शानदार और गजब की लग रही है। कलर देखिए कितना ज़बरदस्त इस पर सूट कर रहा है, ब्लैक कलर। फ्रंट व्हील और क्रैश गार्ड को हमने ग्रीन कलर से किया है और बाकी बाइक को पूरा ब्लैक कलर से किया है। आपको क्लोजअप दिखाता हूँ इसका मैं, ये देखिए कलर बिल्कुल मिरर फिनिश में आया है। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे किस तरीके से एक बाइक पे पेंट किया जाता है। ज़्यादा डिटेल तो मैं आपको नहीं दे पाया इसमें अकेले होने की वजह से, लेकिन जितना मुझसे बन सका मैंने सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की है। फिर भी कुछ डाउट रह गया हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और रहा तो हम बाद में फिर और वीडियो बना लेंगे इससे रिलेटेड, जिसके अंदर हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी जाए। फिलहाल एक मोटा मोटा अंदाज़ा तो आपको चल ही गया होगा इससे। और ये एग्जॉस्ट आप देख रहे हैं पिछली वीडियो में हमने इसमें इंस्टॉल किया था, इसका भी आपको अभी साउंड सुनाता हूँ। तो चलिए अब एग्जॉस्ट का साउंड और आपको चेक करा देता हूँ इस वीडियो में। ये इसका आइडल साउंड, थोड़ा सा रेव करते हैं। तो सुना आपने कैसा लगा आपको ये साउंड? इसकी पूरी वीडियो देखना हो तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा उसका लिंक। चलिए इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके अच्छा सा एक कमेंट करना और अपने बाइकर दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। और इसी तरह की नई नई वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए, नए नए मॉडिफिकेशन जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक से बढ़कर एक आपको इसके अंदर टॉपिक मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।